नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा। और इस वीडियो के अंतर्गत आपको कक्षा 12 बायोलॉजी के द्वितीय लेसन के अंतर्गत स्टेमेन के विषय में बताया जाएगा। कल आपको गायनोसिन के विषय में बताया गया था। नेक्स्ट हेडिंग आपकी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टेमेन है, जो उसमें नर जननांग होता है उसके विषय में आपसे चर्चा होगी। देखिए यह पुष्प का नर जननांग जो स्टेमेन है उनके से इसको कहते हैं। यह पुष्प का नर जननांग, ये जो स्टेमेन होता है इसके थ्री पार्ट्स या तीन भागों को मिलाकर के स्टेमेन का निर्माण होता है, या इसके तीन पार्ट्स होते हैं। जो नर भाग होता है उसका उसके तीन पार्ट्स होते हैं और ये नर जननांग है। एक उसका नर जननांग, एक उसका नर जननांग है। इसके तीन पार्ट इसके तीन भाग। इससे जनरली तो दो ही पार्ट इसके लोग जानते हैं या दो ही पार्टों से सभी लोग परिचित होंगे। एक जो आपका फिलामेंट्स होता है और दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो एंथ्रस होता है, यानी पराकोष होता है। और थर्ड भाग अनुयोजी होता है, जो संयोजी होता है, जो परागकोष की पालियों को अलग करने का कार्य करता है, यानी परागकोष जो होते हैं उन परागकोषों में दो चैम्बर्स होते हैं, यानी दो पालियां होती हैं, उन पालियों को जोड़ने का कार्य जो करता है उसे कनेक्टिव कहते हैं। तो देख लीजिए इसके तीन भाग कौन कौन से हैं। नंबर एक एंथ्रस, नंबर दो फिलामेंट और नंबर तीन होता है कनेक्टिव। ये इसके तीन भाग जो नर जननांग के प्रोसेसर, ठीक है, इसके तीन भाग होते हैं। तीनों भाग आपके सामने लिखे हुए हैं, एंथर, फिलामेंट्स और कनेक्टिव। इन तीनों भागों को फिगर के माध्यम से भी हम आपको बता देंगे उसमें ये कैसा भाग होता है, इसकी संरचना कैसे होती है वो भी आप देख लीजिए। ये आपका जो है इसको हम इधर लिखे दे रहे हैं फिलामेंट,
ये आपका एंसर खराब दोस्त एंसर, और ये आपका जो है एंसर हो गया यानी खराब दोस्त हो गया। और आगे ये एंसर से और ये कनेक्ट हो, ये फिलामेंट और एक, ये तीन भाग हैं जो आपके सामने लिखे हैं। इस संपूर्ण संरचना को ही हम स्टेमेंट करते हैं, ये कोश का नर भाग। इसकी डिग्री हम थोड़ी आपको बता दे रहे हैं, पुंकेसर के पराकोश में पराकोश का निर्माण होता है। पुंकेसर में जो पुंकेसर है ये इसमें पराकोण बनता है, पराकण का निर्माण जो पराकण होते हैं उन पराकणों का निर्माण पुंकेसर में होता है। जो पुंकेसर के यानी एंथर्स जो होते हैं, एंथर्स का जब स्फुटन होता है फटते हैं तो पराकण इससे मुक्त होकर के और दूसरे पुष्प या पुष्पों की वर्तिका पर पहुंचते हैं और फिर निषेचन की प्रोसेस वहां पर शुरू होती है। तो ये आप देख लीजिए, पुंकेसर नर जननांग है, पराकणों का निर्माण पुंकेसर में होता है, इसके तीन भाग होते हैं, फिगर के माध्यम से भी हमने आपको बता दिया। अब इसकी और थोड़ी इसकी समझ लीजिए, बस आपका जो फ्लावरिंग प्लांट पुष्प था इन पुष्प के विषय में लगभग मेल और फीमेल जो डेवलप पार्ट्स जो थे वो आपको हमने क्लियर करा दिया है। अब आगे इसके इसी तरह का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपको अगले पढ़ाया जाएगा, लेकिन थोड़ी इसकी हिस्ट्री जो है वो देख लीजिए। जो पराकोष होता है यहाँ पर ये अभी दिखाई दे रहा है, मिटा दिया है, ये जो पराकोष होते हैं पराकोष में दो पालियां, पराकोष में दो पालियां, इन दोनों पालियों के परस्पर जोड़ने वाला जो भाग ये अभी लिखा था उसको हम कनेक्ट करते हैं, यानी संयोजी ऊतकीय गियर्स होते हैं जिसके द्वारा ये दोनों क्या होते हैं परस्पर पालियां जुड़ी रहती हैं। दो पालियां होती, ये पालियां दो महीन संयोजी ऊतकों के द्वारा परस्पर जुड़ी होती हैं, यानी पराकोष के पराकोष में प्रायः दो पालियां होती हैं, एक ये फर्स्ट और एक सेकेंड, और बीच में जो होती है दोनों पराग पालियों को एक महीन संयोजी ऊतक की ग्लियर्स होती है जो जोड़ने का कार्य करती है। इस प्रकार प्रत्येक पाली में दो चैम्बर्स होते हैं, इसमें दो पालियां और प्रत्येक पाली में क्या होते हैं दो चैम्बर्स होते हैं, जो प्रत्येक पाली होती है इसमें दो दो चैम्बर्स होते हैं प्रत्येक पाली में, टू चैम्बर, बहुत ध्यान से समझिए, प्रत्येक पाली में दो चैम्बर्स होते हैं। अब दो चैम्बर्स कैसे होते हैं वो भी हम आपको बना करके दिखाई जो है दिखा दे रहे हैं यहीं पे, इसीलिए फिगर दिखा दिया था।
ये आप देख रहे हैं दो पाली इसमें दिखाई दे, प्रत्येक पाली में जो है दो पालियां होती है। अब इन दो पालियों में सर प्रत्येक पाली में दो दो चेम्बर होते हैं। आप प्रत्येक पाली में दो दो चेम्बर देख लीजिए, इसकी आंतरिक संरचना हम आपको भी बताए दे रहे हैं साथ ही साथ किस प्रकार से इसमें फोर चेम्बर होते हैं दोनों पालियों को मिला। ये चार चेम्बर हुए इसका, प्रत्येक पाली में दो दो चेम्बर होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्पोरिंजियम या लघ बीजाणु धानी कहते हैं। आप कोई एक चीज में समझना होगा लघ बीजाणु धानी किसे कहते हैं, परागण कहाँ निर्मित होते हैं, बहुत ध्यान रखिए परागण कहाँ निर्मित होते हैं, परागकोष में कितनी पालियां होती हैं, प्रत्येक पाली में चेम्बर्स कितने होते हैं और इन चेम्बर्स को क्या करते हैं, यानी ये ठीक है जिन्हें हम माइक्रो जो है माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। प्रत्येक पाली में चार चेम्बर होते हैं, इन चेम्बर्स को ही हम माइक्रोस्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं या माइक्रोस्पोरेंजियम का। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है लघु बीजाणु धानी किसे कहते हैं, लघु बीजाणु धानी किसे कहते हैं या परागकण कहाँ निर्मित होते हैं, इसमें कितने चैम्बर्स होते हैं या परागकोष में कितनी पालियां होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो है इससे बनते हैं जो पूछे जाते हैं। लघु बीजाणु धानी यानी माइक्रोस्पोरेंजियम तो बहुत पूछा जाता है, माइक्रोस्पोरेंजियम तो हर बार लगभग लगभग एग्जाम में पूछा जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम से आप क्या समझते हैं, ठीक किसे कहते हैं, कहाँ उपस्थित होते हैं। ठीक ये आपको हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बता दिया, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उसमें कौन सा होता है। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक अगले परागकण का स्फुटन यानी परागकण का स्फुटन यानी जो परागकोष होते हैं परागकोषों का स्फुटन कैसे होता है और स्फुटन के समय परागकण कैसे जो है निर्मुख होते हैं यानी बाहर निकलते हैं और कैसे दूसरे पुष्प पर जाकर के उसको निषेचित करते हैं या जो स्टिग्मा होता है वहां पर कैसे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पराग कोशों का स्फुटन और पराग ठीक से पढ़ाएंगे। धन्यवाद।